तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले चैप्टर के एंड में आखिर वेजिटा और वेजिटो के साथ क्या हुआ था। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम वेजिटो को देखते हैं जो कि हंस रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा भी वहीं पर है, यानी कि प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस। दोनों के चेहरे पर काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। वेजिटा और वेजिटो दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटो की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई थी, यानी कि वेजिटो की ट्रांसफॉर्मेशन ने ही वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर किया है। वेजिटो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, लूसिफ की ताकतों का और ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम पे भी इम्पैक्ट आया है वेजिटा। लगता है मैं जितना सोच रहा था हम दोनों उससे भी ज़्यादा सिमिलर हैं। ये कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, पर मैं इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वेजिटा वेजिटो के बोलते हुए अपनी उंगली को चटका रहा होता है और इसके बाद वो एक स्माइल के साथ बोलता है मैं भी इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरी ट्रू डीमन फॉर्म भी लूसिफ की ताकतों की वजह से ही थी। तो ऐसा लगता है कि तुम और मैं दोनों एक के साथ एक फ्री हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और ट्रू सुपर सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू दोनों ही अपने अपोनेंट्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट की आँखें जो कि प्यूपल्स के बिना है वो फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इस वक्त दो लूसिफ हैं, इन दोनों की एनर्जी ये पूरी तरीके से एक है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू भी उतना ही ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है वेजिटा इस वक्त मैं क्या सेंस कर रहा हूँ। डाइशिनकन इस बारे में और ज़्यादा सोचता है और वो और ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो रियलाइज़ करते हुए बोलता है वो बेवकूफ़, वो डार्कनेस जो कि मैं उसकी बॉडी पे देख सकता हूँ इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है, वो खुद लूसिफ की बॉडी है, वो उसकी बॉडी पे फैल रहा है और कब्ज़ा कर रहा है। लूसिफ ने अपना वैसल बदलना शुरू कर दिया है और ये उसके अंदर से ये कर रहा है। कैसे और क्यों ये सैयन ऐसा होना अलाउ कर रहा है, क्या इसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। तभी हम ग्रैंड प्रिंस के पीछे लूसिफ को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस की हालत देख के हंस रहा होता है और वो बोलता है ऐसे ही रोते रहो मेरे छोटे भाई। आखिरकार ऐसा लग रहा है कि लूसिफ के सारे प्लान सही होने वाले हैं। तभी हम एक बार फिर से वेजिटो को देखते हैं। वो हंसते हुए बोलता है डाई तुम्हारे चेहरे पे एक बार फिर से वही नीला वाला लुक आ गया है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। डाई की हालत देख के वेजिटो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि ग्रैंड प्रिंस क्या सोच रहा है। वेजिटो बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बड़बड़ा नहीं रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, कम ऑन तुम मुझे बता सकते हो, तुम बता सकते हो अपने प्यारे बड़े भाई को। डाई इसके बाद अपने हाथ की तरफ देखता है, उसे याद आता है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि बड़ा भाई मुझे लगता है कि वो तुम मजाक के तौर पे बोल रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ना समझ बेवकूफ़ मॉर्टल, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब तुम हर तरीके से एक टाइम बॉम्ब की तरह हो जो कि लूसिफ को वापस लेकर आएगा। तुम्हारे हाथ जो काले हो गए हैं और बॉडी भी, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, अपनी चेस्ट की तरफ देखो, वो अजीब सा टीढ़ा मेढ़ा पैरासिटिक मार्क, वो सीधा नहीं रह रहा है, वो फैल रहा है तुम बेवकूफ़ सैयन। अब यहाँ से तुम्हारे लिए कोई भी वापसी नहीं है, बिल्कुल उसी लड़ाई की तरह जो कि मैंने सदियों पहले लड़ी थी, जिसे मैं आज फिर से हराऊंगा वो है मेरा बड़ा भाई, ना कि तुम। वेजिटो जैसे ही ग्रैंड प्रिंस की बात सुनता है एकदम से वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है क्या बकवास है, पर जैसे ही वो अपनी चेस्ट को नोटिस करता है वो समझ जाता है कि ग्रैंड प्रिंस सही बोल रहा था। वेजिटो की चेस्ट का निशान सच में हिल रहा था, चाहे वो बहुत ही धीमी स्पीड में क्यों ना हो, पर ग्रैंड प्रिंस झूठ नहीं बोल रहा है। पर वेजिटो इस बात से दिक्कत में नहीं होता, उसे कोई और बात परेशान कर रही होती है। वेजिटो अपनी चेस्ट को देख के बोलता है वैसे ये काफ़ी अजीब है, पर मुझे ये बताओ कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे लिए कोई वापसी नहीं है। मैंने इस लालू प्रसाद की ऑलरेडी काफ़ी सारी ताकत का इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है और उसे डीएक्टिवेट करके बेस फॉर्म में गया हूँ अपनी मर्जी से, ये मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। पर जैसे ही वेजिटो बेस में जाने की कोशिश करता है वो एकदम से चिल्लाता है नहीं। वेजिटो की बॉडी अब वैसा नहीं कर रही है जैसा कि वो चाह रहा था और बेस में नहीं जा रही है। वेजिटो जल्द ही समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है
वो बोलता है कि वो जंगली जानवर। वो जानता था कि ऐसा होने वाला है। उसने मुझे ऐसा जताया कि जैसे डाई मेरे साथ खेल रहा हो, पर शुरुआत से वो ही मेरे साथ खेल रहा था। पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई ज़्यादा चॉइस बची थी। या तो मुझे छोटे भाई के हाथों मरना पड़ता, या फिर मैं बड़े भाई की हेल्प लेके सर्वाइव कर सकता था, और शायद एक ऐसी बुराई को अनलीश करना जो कि इन गॉड से भी ज़्यादा बुरी हो, जो कि ये एक मिलेनियर से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपने चांस लेना चाहूँगा। पर डाई इस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं है, और एकदम से ही वो एक बहुत ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथों को उठाने लग जाता है, और वन ट्रू एंजल यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट चारों तरफ से वाइट रंग की डिवाइन लाइटनिंग से घिर जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, हाँ ज़रूर ये चांस लो और रिलीज़ कर दो एक महान ईवल को, जो कि सिर्फ अपने मज़े के लिए ना जाने कितने मॉर्टल्स को मार देगा, जबकि हमारे एक्शन सिर्फ तुम्हारे अपनों के खिलाफ थे। मैं ये देखकर सच में हैरान हूँ कि तुम ज़्यादा दूर का सोच ही नहीं सकते हो। पर जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ वो है तुम्हारे अंदर प्राइड की कमी। मुझे लगा था कि तुम सयन सिर्फ अपनी ताकत का ही इस्तेमाल करोगे, और लूसिफ तुम्हारे साथ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। पर मैं गलत था। मुझे ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। मैं एक प्रिमिटिव रेस से सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी बुरा बोल सकते हो डाई। वेजिटो अचानक से ही अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट के साइड में देखने लग जाता है। वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट को वापस जवाब देता है और बोलता है कि पर तुम्हें सयन्स के बारे में गलत बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, स्पेशली सयन रॉयल्टी के सामने। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। क्या पता अचानक से ही कब कोई तुम्हारे पीछे आ जाए। जैसे ही वेजिटो ये बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से चौंक जाता है और एकदम से ही पीछे मुड़ के देखता है। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के हैरान रह जाता है कि वेजिटो अचानक से ही बिना किसी प्रेजेंस के उसके पीछे आ गया है, और उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रखा है। पर इस बारी वेजिटो में एक फ़र्क है। वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक आने में ज़रा सा भी घबरा नहीं रहा। वेजिटो इसके बाद एक बहुत ही एक्सप्रेशन लुक के साथ ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है। ऐसा लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक पहुँचना वेजिटो के लिए बहुत ज़्यादा एफर्टलेस था। वेजिटो अपनी खून जैसी लाल आँखों से ग्रैंड प्रीस्ट को घूरता है और बोलता है कि कोई भी आधा आदमी जो कि एक बच्चे की बात मानता हो, उसे प्राइड की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और एकदम से ही वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट के साइड में से उसके चेहरे की साइड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। हम देखते हैं कि इस पंच से ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है और उसके मुँह से खून भी निकल रहा होता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त है कि अभी तक ऐसा पंच हमने वेजिटो को भी ग्रैंड प्रीस्ट को मारते हुए नहीं देखा है। इस पंच को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये पंच ऑलमोस्ट ग्रैंड प्रीस्ट की गर्दन को उखाड़ने वाला था। इस पंच की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से ही दूर उड़ते हुए जाता है और एक पास के ही स्ट्रक्चर से टकरा जाता है। वेजिटो लूसिफ की इमेजरेबल पावर को अब महसूस कर सकता है। इतनी ज़बरदस्त ताकत को अपने मन के हिसाब से इस्तेमाल करके वेजिटो थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है कि तो ये वो ताकत है जो कि वेजिटो इस्तेमाल कर रहा था, और इतने समय से ये ताकत उसने अपने लिए रखी हुई थी। तो ये है असली ताकत लूसिफ की। अब मैं समझ सकता हूँ क्यों ये उस ट्रू डीमन फॉर्म की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि मेरे पास पहले थी। ये बिल्कुल सही फील हो रही है, सिर्फ ताकत के लिए बुराई के हाथों में गिर जाना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कुछ ऐसा है जो कि मैं पहले एक्सपीरियंस नहीं कर चुका हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो उस समय को याद कर रहा होता है जब बू सागा में भी ताकत के लिए उसने अपने आप को बेच दिया था। उसने अपने आखिरी गोल यानी कि गोकू को हराने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया था ताकि वो बावड़ी का इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकतों को बाहर निकाल सके। एकदम से ही डिस्ट्रॉयर गोकू और चीटी दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मास्टर डाई। वेजिटो अभी अपनी नई ताकतों को समझ रहा है, और दूसरी तरफ वेजिटो की हरकत की वजह से डिस्ट्रॉयर गोकू और जीटी अपने मास्टर ग्रैंड प्रीस्ट की हालत देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ही एक ऐसा शख्स जो कि उन दोनों का भी सामना नहीं कर पा रहा था, वो एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने ग्रैंड प्रीस्ट पे भी हमला कर दिया। और ग्रैंड प्रीस्ट पे सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि उसे किसी तरीके से ओवरपावर भी कर दिया। एकदम से ही डिस्ट्रॉयर गोकू अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि उनसे दूर रहो, तुम मेरे हो। हालांकि अभी ये बात क्लियर नहीं है कि गोकू यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट को बचाने के लिए जा रहा है या फिर उस बेइज्जती की वजह से कि उसका अपोनेंट एक ताकतवर अपोनेंट के पास चला गया उससे लड़ने के लिए। पर वेजिटो के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रॉयर गोकू से लड़ने में अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वेजिटो एक बहुत ज़्यादा इमोशनलेस आवाज़ में बोलता है, अपनी औकात में रहो कमज़ोर। वेजिटो की बॉडी अचानक से ही खुद ही सुपर स्पीड में मूव करने लग जाती है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटो डिस्ट्रॉयर गोकू के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बिना किसी वार्निंग के अचानक से ही एक बहुत ही ज़बरदस्त कोनी जड़ देता है। हम देखते हैं कि इस अटैक से गोकू का चेहरा बिल्कुल दब जाता है और उसके मुँह से खून भी निकल रहा होता है। वो इस अटैक से बिल्कुल शॉक में रह जाता है। डिस्ट्रॉयर गोकू दर्द से कर रहा होता है पर वेजिटो के चेहरे का एक्सप्रेशन ज़रा सा भी नहीं बदलता।
वेजिटा के अटैक की फोर्स की वजह से डिस्ट्रॉयर गोकू अपना बैलेंस लूज कर देता है और एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाता है। जल्द ही डिस्ट्रॉयर गोकू खुद को संभाल के खुद को बैलेंस में लाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने चेहरे को उठाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक से उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, उसके नाक और मुँह से खून निकल रहा है और वो बोलता है वेजिटा। वेजिटा के अटैक का रिजल्ट गोकू के चेहरे पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसका गाल पूरी तरीके से सूजा हुआ है और उसकी एक आँख भी दर्द की वजह से बंद है। गोकू इसके बाद बोलता है वो बदल चुका है, उसकी ताकत पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं तो उसे अपनी तरफ आते हुए बहुत मुश्किल से देख पाया था। वेजिटा, क्या तुम शुरुआत से ही अपनी ये ताकत छुपा रहे थे? तो तुम मेरे साथ खेल क्यों रहे थे? पर वेजिटा से गोकू को कोई भी जवाब नहीं मिलता और हम देखते हैं कि गोकू अपना नेक्स्ट मूव तैयार करने लग जाता है। वहीं जब हम वेजिटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोकू के कुछ भी करने से वेजिटा को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। एकदम से ही डिस्ट्रॉयर गोकू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वेजिटा के बिल्कुल नज़दीक पहुंचाता है और बिल्कुल उसके सामने होता है। डिस्ट्रॉयर गोकू का एक पैर बहुत ज़्यादा स्पीड में है जिससे ये पता चलता है कि वो वेजिटा को किक मारने वाला है। डिस्ट्रॉयर गोकू इसके बाद वेजिटा को अपनी ये बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है पर वो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा ने बिना किसी दिक्कत के उसके पैर को पकड़ लिया होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि गोकू के इस किक की वजह से वेजिटा ज़रा सा भी अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। वेजिटा एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड लुक के साथ गोकू की तरफ देखता है और हम देख सकते हैं कि गोकू के चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा डर वाला लुक है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाता है। वो बोलता है क्या? वेजिटा ने डिस्ट्रॉयर गोकू के पैर को अपने उल्टे हाथ से जकड़ा हुआ था और एकदम से ही वो कोनी बना के डिस्ट्रॉयर गोकू के पैर पर मार देता है और हम देख सकते हैं कि इससे गोकू के पैर की हड्डी टूट जाती है और इसके बाद डिस्ट्रॉयर गोकू दर्द से कराहने लग जाता है। ये करते हुए वेजिटा के चेहरे पर ज़रा सा भी दर्द नहीं आता, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है और सबसे बड़ी बात वेजिटा को ये करने में ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। उसने किसी लकड़ी के फट्टे की तरह गोकू के पैर को तोड़ दिया है और डिस्ट्रॉयर गोकू के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सिर्फ दर्द से भरा हुआ होता है, जिसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से चिल्लाता है। गोकू चिल्लाता है वेजिटा ये तुमने क्या किया? तभी हम सेरेफिम गोकू को देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों गोकू कनेक्टेड हों। सेरेफिम गोकू को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सब कुछ वेजिटा ने कितनी बेरहमी से किया है। वो बोलता है क्या वेजिटा तुम ये क्या? पर पास्ट टाइमलाइन के गोकू की वॉरियर स्पिरिट अभी भी हिली नहीं है और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके वो वेजिटा से थोड़ी बहुत दूरी बनाने में कामयाब हो जाता है और वेजिटा बस गोकू को इमोशनलेस तरीके से घोता रहता है। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वेजिटा के दोनों हाथ अभी भी उसी पोजिशन में होते हैं जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो। डिस्ट्रॉयर गोकू वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बहुत ज़्यादा गुस्से में गोकू अपना आपा खोने लग जाता है। डिस्ट्रॉयर गोकू इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में है। वो एकदम से ही अपना हाथ उठाता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक डिस्ट्रक्टिव डिस्क बनाने लग जाता है, वही डिस्ट्रक्टिव डिस्क जो कि उसका पुराना गंजा दोस्त इस्तेमाल करता था। हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनने लग जाता है जो कि रेजर शार्प होता है और लगातार घूम रहा होता है। गोकू एकदम से चिल्लाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्क और एकदम से ही ये अटैक वो वेजिटा की तरफ शूट कर देता है ताकि वो वेजिटा को बीच में से काट सके। वेजिटा ने डिस्ट्रॉयर गोकू के पैर के साथ जो कुछ भी किया है उसके वजह से डिस्ट्रॉयर गोकू को वेजिटा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गोकू फुल स्पीड में अपना ये अटैक वेजिटा की तरफ शूट कर देता है। गोकू ने ये अटैक इतनी स्पीड और गुस्से में फेंका होता है कि रास्ते में ही इसकी शेप बदलने लग जाती है। इतनी ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से ये सर्कुलर के बजाय एक बूमरैंग जैसी शेप ले लेता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है। डिस्ट्रॉयर गोकू का ये अटैक वेजिटा को बीच में से काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है पर तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वेजिटा इस अटैक को अपनी जगह से हिले बिना ही पकड़ लेता है। वेजिटा ने इस अटैक को बहुत ही शॉकिंग तरीके से पकड़ लिया होता है जैसे कि वो किसी फ्रिस्बी को पकड़ रहा हो और इस अटैक के इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वेजिटा अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता। वेजिटा इसके बाद बोलता है बेहुदा कैकरॉट। अगले ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटा इस डिस्ट्रक्टिव डिस्क को बहुत ही आराम से अपने हाथों में कुचल देता है। इस अटैक की वजह से वेजिटा के हाथ में ज़रा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा होता और वेजिटा इस अटैक को किसी प्लेट की तरह कुचल देता है। प्रिंस वेजिटा के हाथ में ये अटैक जैसे ही कुचलता है हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी चारों तरफ गिरने लग जाती है और इस एनर्जी के सारे टुकड़े धीरे धीरे करके गायब होने लग जाते हैं। डिस्ट्रॉयर गोकू ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा शॉक वाला लुक होता है। वो बोलता है कैसे? डिस्ट्रॉयर गोकू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि वेजिटा आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। गोकू सिर्फ इतना ही सोच पा रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये वेजिटा नहीं है, ये तो वो असेंशन यानी कि वो ताकत है जो कि मैं हमेशा से ही डिजर्व करता था। वेजिटा एकदम से ही गोकू की बात को काटते हुए बोलता है। वेजिटा इसके आगे कंटिन्यू करता है।
वो जीत उस लो क्लास वॉरियर के खिलाफ जो कि मुझे हमेशा से ही मिलनी चाहिए थी। मेरे साथ आखिर में ये हुआ है। कैकरोट एक बारी फिर से डिस्ट्रॉयर गो को बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा से उसे एक जवाब मिल रहा है, पर इस जवाब की आवाज़ उसके सामने से नहीं आ रही, बल्कि ये आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। अपने ठीक पीछे से डिस्ट्रॉयर गोकू ये आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वेजिटा किसी बुगीमैन की तरह डिस्ट्रॉयर गोकू के बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया होता है, जैसे कि वो उसकी शेडो हो। वेजिटा गोकू के पीछे खड़ा होकर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा होता। डिस्ट्रॉयर गोकू इतना ज़्यादा डर गया होता है कि उसके चेहरे पर भी नील पड़ जाती है। गोकू इस वक्त सिर्फ वेजिटा के किलर इंटेंट और प्रेजेंस की वजह से ही अपनी जगह पर पैरालाइज होकर जम गया है, और इससे पहले कि डिस्ट्रॉयर गोकू कुछ भी सोच पाता और कर पाता, एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटा की इतनी ज़बरदस्त किक से हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू एकदम से ही ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है, और उसका पैर अभी भी टूटा हुआ ही होता है। अगले पल में हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू ज़मीन से बहुत बुरी तरीके से जाके टकराता है। उसका मुंह ज़मीन के अंदर गड़ जाता है। डिस्ट्रॉयर गोकू में इस वक्त बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, इसीलिए वो अपनी लैंडिंग को ज़रा सा भी सॉफ्ट नहीं बना पाता। डिस्ट्रॉयर गोकू काफ़ी मेहनत करके अपनी थोड़ी बहुत ताकत जुटाता है और धीरे धीरे करके उठने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं ये इस तरीके से ख़त्म नहीं होने दे सकता। डिस्ट्रॉयर गोकू के अंदर बदला लेने की उतनी ही इच्छा है जितना कि वेजिटो के अंदर है। इतनी सारी टूटी हुई हड्डियाँ होने के बावजूद भी गोकू अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। पर प्रिंस वेजिटा के सामने ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के सामने आके लैंड करता है। वेजिटा एकदम से आके गोकू के सर को पकड़ता है, जैसे गोकू कोई डॉल हो, और एकदम से उसके सर को ऊपर की तरफ उठाता है। वेजिटा एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड लुक के साथ गोकू की तरफ देखता है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें अपने साथी सैयंस को कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी कैकरोट। ये काफ़ी शर्म की बात है कि मैं तुम्हारी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं तुम्हें बचा पाता, पर अगर तुमने एक गॉड की तरह जीना चुना है तो तुम मरोगे भी एक गॉड की तरह ही। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना घुटना मारता है, और हम देखते हैं कि गोकू के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये कि कितनी ज़बरदस्त थी कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी आंखों के प्यूपल्स भी पीछे की तरफ चले जाते हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वेजिटा की बहुत ही ज़बरदस्त किक की वजह से गोकू पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है, और वेजिटा अपनी जगह पर सिर्फ खड़े होकर गोकू को पीछे की तरफ जाता हुआ गिरता हुआ देखता रहता है। इसके बाद हम डिस्ट्रॉयर गोकू के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के इतने ज़बरदस्त किक की वजह से वो एकदम से ही अपनी बेस फॉर्म में आ गया होता है, और ये शायद गोकू के बेहोश होने की वजह से हुआ है। गोकू के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। हम देखते हैं कि उसके मुंह पर हर जगह से खून निकल रहा होता है। डिस्ट्रॉयर गोकू इस पॉइंट पर सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सारी की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम फिर से वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपनी जीत पर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो बोलता है, क्या सपना है? तो ऐसा महसूस होता है, सुपीरियर सैयन होना। वेजिटा को आखिरकार समझ आ गया है कि वो गोकू के खिलाफ आखिरकार जीतने वाला है। आखिरकार वेजिटा और गोकू की इतनी लंबी राइवलरी की वजह से वेजिटा के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है, क्योंकि गोकू के खिलाफ उसकी जीत अब पूरी तरीके से पक्की है, और वेजिटा को इस जीत का स्वाद चख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वेजिटा ने गोकू की हालत ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, और इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी वेजिटा रुका नहीं होता। वो एकदम से गोकू के चेहरे पर जाके बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू की कमर पर बहुत ही ज़बरदस्त किक में मारता है, जिससे गोकू दर्द से चिल्ला उठता है। आखिरकार वेजिटा गोकू पे की ब्लास्ट शूट करता है, जिसकी वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके टकराता है, और एक काफ़ी ज़बरदस्त धमाका भी होता है। वेजिटा ने इस बीच में गोकू पे काफ़ी सारे अटैक्स किए होते हैं, जो कि कई मिनटों तक चलते रहते हैं, और वेजिटा के इन सभी अटैक्स की वजह से गोकू अब हिलने वाली हालत में भी नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के इतनी ज़्यादा मार की वजह से गोकू बिल्कुल लाइफलेस जैसा हो गया होता है, और उसकी बेजान सी हो चुकी बॉडी ज़मीन पर जाके गिरती है। इसके बावजूद भी उसके मुंह से ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकलती। इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी आंखें अब बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है, ताकि वो एक बार फिर से अपने शिकार के पास पहुँच सके। वेजिटा गोकू के नज़दीक पहुँच के एकदम से ही उसे गर्दन से पकड़ता है, और वेजिटा के ऐसे करते ही गोकू के चेहरे से और ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। वेजिटा इसके बाद गोकू की लाइफलेस बॉडी को ज़मीन से उठाता है, पर सबसे हैरानी की बात यह है कि गोकू की बॉडी में अभी भी ज़रा सी भी हलचल नहीं है। वेजिटा के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। ऐसा लगता है कि वो सन गोकू को मार के सच में बहुत ज़्यादा खुश है। इसके बाद लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल कर रहा वेजिटा बोलता है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। क्या तुम इससे एग्री नहीं करोगे कैकरोट? ये सच में काफ़ी शर्म की बात है कि तुम्हारे टाइमलाइन के वेजिटा को ये एक्सपीरियंस करने का मौका कभी मिला ही नहीं। ये फीलिंग एक लो क्लास कचरे को अपने हाथों से कुचलने की, वो भी एक असली एलीट के हाथों। पर चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है।
वो अपनी ज़िंदगी मेरे ज़रिए जी सकता है। डिस्ट्रॉयर गोकू ऑलरेडी वेजिटा के हाथों हार चुका है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि वेजिटा भी रुकना चाहता है। आखिर डिस्ट्रॉयर गोकू के साथ वेजिटा क्या करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।